मुझे कैची में बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। अपना मुझे बनाया, अपना मुझे बनाया, ये करम नहीं तो क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंदगी एक सफ़र बाय आयुषी। सो फ्रेंड्स, कैंची में स्थापना दिवस है, मेरा ऑल ऑफ सडन प्लान बना है, मैं निकल रही हूँ कैंची धाम के लिए और ये मेरे फैमिली वाले हैं जो मुझे बाय करने आ रहे हैं। मेरी वॉल्वो आ चुकी है, मैं वॉल्वो में बैठ चुकी हूँ। रात का सफ़र करने के बाद वॉल्वो से उतर के नीचे ही रोड पर मेरे लिए शेयरिंग टैक्सी थी। तो बेसिकली किसी को भी नहीं पता मेरी फैमिली में कि मैं आ रही हूँ कैंची धाम। आई थिंक ये डिवाइन कॉल ही होगा कि प्रसाद पाने इस बार फिर पहुँच जाऊँगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत स्पॉन्टेनियस होती हैं, आपको भी नहीं पता आपको आप कहाँ पहुँचाए जाते हो। तो ये स्टे ट्यून देते हैं आपको कैंची में। और यहाँ गाड़ी में बैठ के मैं वही सोच रही थी कि कैसे कल इस टाइम पर मैं अपने घर में थी और आज कैसे बाबा ने एकदम प्रसाद पाने के लिए कैंची धाम बुला दिया, और कब व्यवस्था हो गई, कब मैं कैंची धाम पहुँच गई, पता ही नहीं चल रहा है। फाइनली मैं कैंची धाम पहुंच चुकी हूं और पीछे वाले गेट से एंट्री ले रही हूं। चलते हैं अंदर। दोस्तों, स्थापना दिवस के लिए जो लोग हैं दो दिन से रोड पे ही अपना गद्दा लगा के सो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अभी कैंची धाम में हूं और बाल भोग खाया मैंने, इसके बाद मैं थोड़ा सो गई थी और सामने हवन चल रहा है मेरे कमरे के बाहर। और जो मुझे चाबी मिली है ना, वो मिली है मुझे गोविंद कुटी की, कमरा नंबर 4। ठीक मेरे सामने वो राम का नाम का पत्थर है जहाँ बाबा बैठते थे और अपने डिसाइपल्स को मिलते थे। और मुझे भी फ़ोन आया कि 12 बजे से 2 बजे तक मालपुए की पैकिंग होगी, तो अभी मैं जाके हवन अटेंड करती हूँ और फिर मालपुए पैक करेंगे प्रसाद। यहाँ बैठ के हम लोग मालपुए की पैकिंग कर रहे हैं। मेरे साथ काफ़ी लोग थे यहाँ पर जो कि शिफ्ट वाइज पैकिंग कर रहे थे। और शाम होते ही हम निकले पीछे वाले गेट से बाहर की लाइटिंग देखने के लिए। बहुत ही प्यारा लग रहा था कैंची धाम, एकदम सजा हुआ था स्थापना दिवस के लिए। ये मंदिर है, इसमें पूरी लाइटिंग हो रखी है, भजन अलग चल रहे हैं। मथुरा से जो लोग आते हैं वो राम नाम के भजन चलाते हैं। यहाँ पर शैलूदा बैठे हुए हैं, सामने गिरीशदा बैठे हुए हैं, हमारी गप्पे लग रही हैं। अब एक थैंक यू टू शैलूदा, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। आप देख सकते हैं सुबह से कितनी भीड़ लग चुकी है। और मुझे कुछ सामान ख़रीदना था यहाँ से, तो हम लोग अपना कार्ड लेके गए और हमें बोला गया कि आप साइड से निकलिएगा, शॉप पे जाके अपना सामान लेना। मैं और शैलूदा का जो भांजा है, हम दोनों निकल पड़े पास लेके अपना सामान लेने के लिए। और फाइनली 2 दिन बाद मेरी मुलाकात होती है अच्छे से भयुदा से। भयुदा, शैलूदा, एम्पीदा, ये लोग बहुत ज़्यादा ही बिज़ी चल रहे थे। तो उंगलियां दिखाओ। सबसे मुलाकात करने के बाद मैं निकल पड़ी हूँ वापस अपने घर के लिए। ये मेरा स्टॉक है जो कि कैंची धाम से कुछ शॉपिंग मैंने करी, प्रसाद मैंने लिया। और भयुदा, शैलूदा, एम्पीदा ने मुझे भवाली छोड़ने के लिए गाड़ी भेजी कैंची धाम से। और आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में कितनी भीड़ है। 15 जून को जो गाड़ियाँ होती हैं उनका कैंची धाम में आना मना है, और जो पुलिस होती है ऊपर ही गाड़ी रोक देती हैं, चाहे आप कुमाऊँ के साइड से जाओ चाहे आप नैनीताल की साइड से जाओ। और यहाँ हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और देख रहे हैं कितनी भीड़ है। ये 2 किलोमीटर ऊपर की भीड़ मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में श्रद्धालु प्रसाद पा के जा रहे हैं और राइट हैंड साइड में श्रद्धालु हैं जो कि प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं एक बात बताती हूँ, मैं अभी 2 दिन पहले कश्मीर का ट्रिप करके आई थी, आपने व्लॉग भी देखा होगा। तो मेरा कैंची धाम आने का दूर दूर तक नहीं था बिल्कुल भी। और कैसे नाश्ता बनाते हुए मैंने इसी बाबा को बोला कि इस बार क्या मैं स्थापना दिवस में प्रसाद लेने आ पाऊँगी, इतना बोला। और कैसे मेरी व्यवस्था हो गई कैंची आने की। आपके अगर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है ना कहीं जाने का, स्पेशली स्पिरिचुअल प्लेसेस में, तो आपको वो डिवाइन पावर होती है जो खुद बुलाती है। फ्रेंड्स, कैंची से निकल के मैं आ रखी हूँ अभी कमला दीदी के यहाँ पर। ये मेरी दीदी है, मेरे घर के पास रहती हैं। ये हमारी कमला दीदी है, सॉरी क्यों भाई, हम हल्द्वानी में आ रखे हैं। मैं दिखाती हूँ, मेरी ट्रेन है 8 बजे की, तो सबके सब क्या कर रहे हैं किचन में। अंकल देखते हुए बच्चे लोग कैसे काम कर रहे हैं, भैया हमारा पनीर बनाते हुए, ये अंकल ने पनीर काट दी है, भैया तैयारी कर रहे हैं, दीदी लगी हुई है फटाफट। जो पता कैसी फीलिंग आ रही है, कोई बच्चा सुबह सुबह स्कूल जाता है ना, तीनों लाइन से लगे हुए हैं भाई।
वही वही होना वही है, बैग कहाँ है मेरा, बॉक्स कहाँ है मेरा। और ये खाने की तैयारी हो चुकी है हमारे भाई साहब। फ्रेंड्स इट्स टाइम टू लीव, मिठाई लग चुकी है, दही खा ली हमने, बैग पैक हो चुके हैं, खाना भी पैक हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ। इतना प्यार जो मुझे मिल रहा है ना, इतनी क्या बताऊँ मैं, आई एम स्पीचलेस। कैची धाम में गए वहाँ अलग प्यार, यहाँ दीदी लोग क्या है वहाँ अलग प्यार। तो ये सब समझ में नहीं आता कई बार कि क्या हो रहा है लाइफ में, यही चाहिए सबको है ना। तो चलिए चलते हैं, मेरी ट्रेन है। थैंक यू अंकल। फ्रेंड्स हमारी गाड़ी रेडी है, थार की फ्रंट सीट में बैठ के अपने स्टेशन। बाय अंकल। तो फ्रेंड्स मैं बैठ चुकी हूँ अपनी थार में, मेरे साथ है कमला दीदी और मेरे साथ है भैया और हम इंजॉय करने वाले हैं अपनी ट्रिप रेलवे स्टेशन तक। तो मिलते हैं आपको स्टेशन में, बाय। मेरी चिंता करने वाले मेरे बाबा बैठे हैं, मेरी चिंता करने वाले मेरे बाबा बैठे हैं, मेरी चिंता करने वाले मेरे बाबा बैठे हैं, मेरी सांसों में मेरे दिल की धड़कन में रहते हैं। चिंता करने वाले बाबा जी बैठे हैं, मेरे सारे काम बनाते हैं और सपने करे साकार। मैं बातें करता हूँ जब उनसे हंसते रहते हैं।